हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। जो भी आपके यूपी पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी ब्रांच के हों, सब में कॉमन सब्जेक्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऊर्जा खपत में वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन है आपका ऊर्जा खपत में कमी, थर्ड ऑप्शन है आपका ऊर्जा की खपत समान रहती है, फोर्थ ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसका अर्थ होता है कि जो भी ऊर्जा खपत हो रही है उसमें कमी की जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत के जीवाश्म ईंधन भंडार यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सीमित है, सेकेंड ऑप्शन है आपका सीमित है, फर्स्ट ऑप्शन आपका असीमित है, थर्ड ऑप्शन है आपका अगले कुछ वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है आपका अगले हजार वर्ष। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत का जीवाश्म ईंधन है वो आपका सीमित है। ठीक है, असीमित नहीं है, सीमित है इसका भंडारण, क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन होता है वो कैसे बनता है, जब कई हजार सालों तक जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु है ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, तो हीट के कारण से, जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो हीट है उसके कारण से जीवाश्म ईंधन बनता है। तो इसका जो जीवाश्म ईंधन है भारत में वो क्या है आपका सीमित है, इसकी जो मात्रा है वो सीमित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत के जीवाश्म ईंधन सीमित हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में, यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, है जो लगभग 200 वर्षों तक चल सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका विशाल तेल भंडार, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्राकृतिक भंडार, थर्ड ऑप्शन आपका कोयला भंडार, फोर्थ ऑप्शन आपका परमाणु ईंधन भंडार। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कोयला भंडार। तो भारत में जो कोयला भंडार है वो लगभग 200 वर्षों तक चल सकता है। ठीक है, उसके बाद समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, कोयला भंडार, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, भारत में जो कोयले का भंडार है वो सीमित है, लगभग 200 वर्षों तक चल सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कोयले में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख चिंता का विषय है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनमें राख की मात्रा अधिक होती है, सेकंड ऑप्शन है यह ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन से जुड़ा है, थर्ड ऑप्शन है आपका ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है इसका उच्च उष्मीय मान होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें कहा गया है कि जो भारतीय जो कोयले हैं, जो भारत में कोयला मिलता है उसमें प्रमुख चिंता का विषय क्या है। तो इसमें जो प्रमुख चिंता की विषय है वो राख की मात्रा अधिक है, उसके बाद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ए एंड बी दोनों। ठीक है, क्योंकि ए भी सही है आपका, बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट सही है, ए एंड बी दोनों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से समझने वाले हैं सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं, सर्वेक संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी भारत मूलभूत अवधारणा है। ठीक है, जो संवेग संरक्षण है और जो द्रव्यमान संरक्षण के साथ साथ इनमें से कौन सा है जो मूलभूत अवधारणा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पावर सिस्टम पर आधारित मांग, सेकंड ऑप्शन आपका ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन, थर्ड ऑप्शन आपका विद्युत ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन आपका विद्युत ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत में कमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जिस प्रकार से सर्वेक्षण संरक्षण होता है, जिस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण होता है, इसी तरह का जो मूलभूत अवधारणा है वो किसका है, ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है,
इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि ऊर्जा को न ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ऊर्जा संरक्षण, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है आपका ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लाभ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लागत कम करके लाभ उठाना, सेकंड ऑप्शन है आपका सतत विकास, थर्ड ऑप्शन है आपका परिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ऊर्जा संरक्षण है और जो ऊर्जा दक्षता है इसमें वृद्धि का जो लाभ है, ठीक है, वो तीनों ऑप्शन इसमें सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया गया है आपका डी, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। पहला भी ऑप्शन आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है। लेकिन जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन आपका कंप्लीट राइट होगा, ठीक है ना। जो भी ऊर्जा संरक्षण है या फिर ऊर्जा दक्षता में है उसमें जो वृद्धि हो रहा है उसके क्या क्या लाभ है, तो लागत कम करके लाभ बढ़ाना, ठीक है, लागत कम करके लागत को कम कर दिया जाए, उसके बाद उसमें उसको लाभ उठाया जाए उससे, और सतत विकास निरंतर उसका विकास किया जाए, परिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, ठीक है, जो यहाँ का वातावरण है उससे संबंधित जो संतुलन है उससे बनाए रखना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। व्यक्तिगत संगठन और वाणिज्यिक ऊर्जा पर, वाणिज्यिक स्तर पर ऊर्जा बिल को कम करना, यहाँ पे फिल करना है, का परिणाम है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड ऑप्शन आपका ऊर्जा संरक्षण, थर्ड ऑप्शन आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, फोर्थ ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण। जो आपका व्यक्तिगत है, संगठन है या फिर वाणिज्यिक स्तर पर ऊर्जा बिल को कम करना है, वो क्या है आपका ऊर्जा संरक्षण का ही परिणाम है। ऊर्जा संरक्षण के कारण से ही इन सब में क्या हो रहा है, इसका जो ऊर्जा का बिल है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरणीय क्षरण को कम करना, सीमित संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करना, यहाँ पे फिल करना है कि लाभ हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका ऊर्जा प्रबंधन, सेकेंड ऑप्शन आपका ऊर्जा संरक्षण, थर्ड ऑप्शन आपका ऊर्जा लेखा परीक्षा, फोर्थ ऑप्शन आपका सतत विकास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्जा संरक्षण के लाभ के कारण से ही जो आपका सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, या फिर पर्यावरणीय क्षरण को कम किया जा रहा है, या फिर सीमित संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग किया जा रहा है, किसके कारण से, तो एनर्जी कंजर्वेशन के कारण से, ऊर्जा संरक्षण के कारण से। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 2002 में, सेकंड ऑप्शन है आपका 2001 में, थर्ड ऑप्शन आपका 2000, फोर्थ ऑप्शन आपका 2003 में। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत सरकार के द्वारा 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी डबल ई की स्थापना द्वारा की जाती है, यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका भारतीय राज्यों की राज्य सरकार, सेकंड ऑप्शन आपका भारत सरकार, थर्ड ऑप्शन आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य, फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो बी डबल ई है वो क्या होता है आपका एक प्रकार की एजेंसी है जो विभिन्न प्रकार के जो आपके ऊर्जा को खपत करने वाले डिवाइसेस हैं या फिर उनके जो रूल रेगुलेशन है उसको स्थापित करता है। तो बी डबल ई जो होता है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो भारत सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, भारत सरकार। जो बी डबल ई की स्थापना भारत सरकार की द्वारा, भारत सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है।
तो बी डबल ई का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऊर्जा की खपत और तीव्रता को कम करने के लिए करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीत और रणनीत विकास करना विकसित करना यहाँ पे फिल करना है का मिशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बी डबल ई, सेकेंड ऑप्शन आपका ई सी ए 2001, ई सी बी सी, फोर्थ ऑप्शन आपका डिजाइनेटेड कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी डबल ई। ठीक है, तो बी डबल ई का काम क्या होता है कि जो भी आपकी ऊर्जा का खपत है या फिर उसकी जो तीव्रता को कम करने की जो प्राथमिक उद्देश्य के साथ साथ उसका नीति है, ठीक है, उसकी रणनीति है का विकास करना को विकसित करना बी डबल ई का मिशन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी डबल ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विभिन्न संस्थाओं के बीच आवश्यक समन्वय प्रदान करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका भारतीय राज्यों की राज्य सरकार, सेकेंड ऑप्शन आपका भारत सरकार, थर्ड ऑप्शन आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेश के राज्य, फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय राज्यों की राज्य सरकार। जो भी आपके अधिनियम है, विभिन्न प्रकार के अधिनियम है संस्थाओं के बीच जो आवश्यक समन्वय प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय राज्यों की राज्य सरकार के द्वारा। भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी जो सरकार है उसके साथ ही समन्वय प्रदान करता है विभिन्न संस्थाओं के बीच। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का अनिवार्य प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका भारतीय राज्यों की राज्य सरकार, सेकेंड ऑप्शन आपका ऊर्जा लेखा परीक्षकों का प्रत्यायन, थर्ड ऑप्शन आपका ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, फोर्थ ऑप्शन आपका ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा लेखा परीक्षक क्षमताओं को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर फाइव है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है उसका जो अनिवार्य प्रावधान है, ठीक है, वो सारे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है पांचवा, जो ई ऑप्शन आपका दिया गया है, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन एनर्जी जो एनर्जी कंजर्वेशन अधिनियम है, एक्ट है, उसका अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का गठन वर्ष में हुआ, किस वर्ष में जो जल प्रदूषण निवारण है या फिर नियंत्रण है उस अधिनियम का गठन किस सन में हुआ, किस वर्ष में हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1986 में, सेकेंड ऑप्शन आपका 1974 में, थर्ड ऑप्शन आपका 1981 में, फोर्थ ऑप्शन आपका 1980 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सेकेंड, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1974 में। जो भी आपका जल प्रदूषण निवारण या फिर नियंत्रण अधिनियम है उसको कब गठन किया गया, किस वर्ष में? तो आपका 1974 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1974। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है? ईसी की मतलब क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन अधिनियम एक्ट का अनिवार्य प्रावधान है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के लिए मापदंडों का निर्धारण, सेकेंड ऑप्शन आपका नामित एजेंसियों की अधिसूचना, थर्ड ऑप्शन आपका ऊर्जा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के मानकीकरण के लिए नियमावली और कोड, फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसका जो अनिवार्य प्रावधान है वो ये तीनों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के, जो कि फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था सर एनर्जी कंजर्वेशन पे भी वीडियो बना दीजिए, तो ये वीडियो सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।